दौसा में सामने आ रही है, जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार सवार से पैसे वसूलने के मामले में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर ले गए हैं। तो खाकी पर यहां दाग लगा है, किस तरीके से यहां 3 पुलिसकर्मी कार सवार से पैसे वसूलने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्त में SI समेत 3 पुलिस कांस्टेबल हैं। कार सवार से वसूले 1.5 लाख रुपए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दौसा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार सवार से पैसे वसूलने के मामले में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्त में SI समेत 3 पुलिस कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। इन्होंने कार सवार से वसूले 1.5 लाख रुपए। और इसी वसूली मामले में ये एक्शन सामने आया है। दौसा में बड़ी कार्रवाई, कार सवार से पैसे वसूलने के मामले में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो खाकी शर्मसार होती हुई नजर आई है। यहां आपको बताते चले कि गिरफ्त में है SI समेत 3 पुलिस कांस्टेबल। तो कार सवार से पैसे वसूले इन्होंने 1.5 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है, जो कार सवार से इन्होंने वसूली। पुलिसकर्मी है ये। देवेंद्र काम रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं देवेंद्र से कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देवेंद्र, देवेंद्र का फिर से रुक करेंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पूछताछ में क्या बातें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, दौसा में खाकी शर्मसार हुई है। किस तरीके से यहां पुलिसकर्मी कार सवार से 1.5 लाख रुपए वसूले इन्होंने, और इस मामले में एक्शन इस रूप में सामने आया कि 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर ले गए। इसमें SI है और 3 कांस्टेबल, यानी SI समेत 3 कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। सहयोगी देवेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा पुलिस जो SP है वंदिता राणा, उनका पुलिस बेड़े में ये बड़ा एक्शन है, जहां आचार संहिता के आदर्श जो आचार संहिता है उसमें नाकाबंदी के दौरान 1.5 लाख रुपए वसूलने पर एक ASI विनय शर्मा, कांस्टेबल राजेश शर्मा, सुरेश और शिवचरण को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है कि जो पीड़ित है वीरेंद्र जाकर सीकर निवासी थे, वो 16 अक्टूबर की रात कलेक्ट्रेट चौराहे पर नाकाबंदी से निकल रहे थे। गाड़ी के उनके जो गाड़ी बेचने खरीदने का काम करते थे, उनके पास 5 लाख रुपए थे, जिसके अंदर से 1.5 लाख रुपए पुलिस कर्मियों पर लेने का आरोप है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने दौसा SP वंदिता राणा के निर्देश पर इन चारों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ जारी है, और आज बताया गया है कि आज जो कोतवाली इंचार्ज है हीरालाल जी, उन्होंने बताया है कि इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या इन पर इस तरह के पहले भी आरोप लग चुके हैं क्या देवेंद्र? नहीं, यह पहला मामला आया है कि चेकिंग के दौरान जो ये जो पैसे लेने का वसूलने का मामला है, आचार संहिता है उसके अंदर पैसे वसूलने का 16 अक्टूबर का मामला है। कलेक्ट्रेट नाके पर ये पैसे वसूले गए, जिसको लेकर जो आरोप है वीरेंद्र जाकर सीकर निवासी, उनने ये आरोप लगाया कि इन पुलिसकर्मियों ने जबरन पैसे वसूले, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने इन चारों को ASI और 3 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक SI समेत 3 कांस्टेबल जिनकी इस मामले में हुई है गिरफ्तारी वसूली करते हुए।